theoretical perspective on thinking. So these are about the theories which we have already covered. जब हमने history पढ़ा था ना western psychology में, तो we have covered all of these somewhere. Now we are trying to understand these in accordance with thinking. ठीक है, तो the first concept is associationism. Associationism you all understand, I guess. कैसे हम चीजों को जोड़ते हैं, आपस में समझ जोड़ जोड़ के समझते हैं. जैसे अभी हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे, तो कॉन्सेप्ट्स में भी तो वी ट्राई टू एसोसिएट थिंग्स ना, टू गो इन आवर माइंड, राइट. तो जैसे हम जेस्टॉल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे एसोसिएशन के, राइट, वहां पर भी एसोसिएशन आता है, वो हमारी थिंकिंग परसेप्शन को इफेक्ट करता है, राइट. ब्लैक एंड व्हाइट कलर साथ में बोलते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में एसोसिएट करते हैं. तो दिस इज हाउ वट एवर थिंग्स वी एक्सपीरियंस टूगेदर, वो हमारे थिंकिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे मैंने अभी बात करी थी, ब्लू बोलेंगे तो वाटर याद आएगा, वाटर बोलेंगे तो ड्रिंक, ड्रिंकिंग और थर्स्टी याद आ सकता है. इस तरीके से वी एसोसिएट द कॉन्सेप्ट्स. सो दिस एसोसिएशन कैन बी सीन देयर इन एवरीडे लाइफ ऑफ आवर्स. ठीक है, हम हर वक्त कुछ ना कुछ एसोसिएशन अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, एंड इट इन्फ्लुएंसेस आवर थिंकिंग इन आवर माइंड. एरिस्टोटल के बारे में भी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, तो ही वॉज वन ऑफ द एसोसिएशनिस्ट जिन्होंने स्पेशियल कॉन्टिग्युटी की बात करी थी, यानी कि स्पेस में जो चीजें साथ में दिखती हैं आपको, है ना, जैसे कप एंड सॉसर प्लेट हमेशा साथ में दिखते हैं, इसलिए हम उनको रिलेट कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं. टेम्पोरल कॉन्टिग्युटी मतलब एक ही फ्रेम ऑफ टाइम में आपको जो चीजें साथ में दिखती है, रेनबो एंड रेन और सनलाइट, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हमेशा साथ दिखता है, तो टेम्पोरल कंटिग्युटी एसोसिएट कर लेते हैं. देन जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, इन लोगों ने भी ये एसोसिएशन के कुछ ना कुछ हमें प्रिंसिपल्स दिए. लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस फॉर एग्जाम्पल, जो चीजें आपस में एक जैसी होती हैं, सिमिलर दिखती हैं, हम उनको भी जोड़ लेते हैं. जैसे घिया, तोरी, टिंडे, ये सब्जियां ना हम एक ही साथ नाम लेते हैं इनका, मतलब वी फील दे आर सो सिमिलर, राइट. लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, किसी एक चीज से दूसरी चीज होना. बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, बारिश की वजह से हमें ठंड लग रही है, कॉज एंड इफेक्ट, वी ट्राई टू एसोसिएट. एसोसिएशनिज्म बिहेवियरिज्म में भी देखा गया था. ठीक है, तो वहां पे जैसे हम एबिन गॉस के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, मेमोरी से रिलेटेड, जो उनका रिहर्सल वाला कॉन्सेप्ट था, मेमोरी फॉरगेटिंग कर्व था इनका. ठीक है, तो वहां पर भी एसोसिएशन होता है, वहां पर भी हम एसोसिएशन की बात करते हैं. बिहेवियरिज्म में जो क्लासिकल कंडीशनिंग वाले एग्जांपल्स हमने पढ़े, फिर हमने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के एग्जांपल्स पढ़े, वहां पर भी एसोसिएशन देखा गया था, राइट. जोड़ा जा रहा था ना थिंकिंग प्रोसेस को, कैसे जोड़ा जा रहा था, फूड को, आपके जो प्रोसेस था कि आप प्रेस करोगे लिवर तो आपको फूड मिलेगा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, राइट. यस मैम. तो ये सारे जो बिहेवियरिज्म जिन्हें भी हमने ऐसे हम पढ़ देते हैं, हाँ, उसमें डॉग और जो बैल वाला वो एक्सपेरिमेंट था, उसमें भी वो एसोसिएट ही करते हैं, राइट. तो ये सारा एसोसिएशन वाले एग्जांपल्स है. टॉलमैन का जो हम ये पढ़ते हैं, कॉग्निटिव मैपिंग, मेज पढ़ते हैं, है ना. ये सब हम लर्निंग में पढ़ेंगे इन डिटेल, बट हियर वी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एक बेसिक बैकग्राउंड की थिंकिंग कैसे जनरेट होती है ना. थिंकिंग में भी इन चीजों का इन्फ्लुएंस रहता है. फिर जेस्टॉल साइकोलॉजी, ये सारी चीजें कवर होंगी इन लेटर यूनिट्स. ठीक है, तो जेस्टॉल्ट यू ऑलरेडी नो, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द होल परसेप्शन, इट अगेन इन्फ्लुएंसेस आवर थिंकिंग. ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ऑल अबाउट दिस. ठीक है, प्लस द स्लाइड्स आर बीइंग रिकॉर्डेड, तो यू कैन गो थ्रू इट वंस मोर. ये इनसाइट लर्निंग भी पढ़ चुके हैं हम, है ना. कोलर का जो एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज आल्सो देयर, वो भी जेस्टॉल्ट का ही पार्ट है एक तरीके से, इनसाइट लर्निंग वाला भी. ठीक है, तो वो भी हमारा थिंकिंग को इफेक्ट कर रहा है. देन ब्रूनर का कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम है, जो बात करता है कि चीजों को हम अगेन कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने एनवायरमेंट के अंदर. कॉग्निटिव कॉग्निशन जो है वो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है. एनालिटिकल थिंकिंग की बात करी ब्रूनर ने, इंट्यूटिव थिंकिंग की बात करी. ठीक है, ये सब जेस्टॉल्ट के साइकोलॉजी पे बेस्ड है कॉन्सेप्ट.
एंड देन वी हैव टू मॉडल्स इन योर सिलेबस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल एंड अनदर मॉडल इज दिस फीचर इंटीग्रेशन थियोरी, फीचर इंटीग्रेशन थियोरी और फीचर इंटीग्रेशन मॉडल. ये दो मॉडल्स हैं. दीज टू मॉडल्स आर इन योर अनदर यूनिट जहां पे हम अटेंशन की बात कर रहे हैं, वहां भी रिपीट हो रहे हैं इन डिटेल ये मॉडल्स सारे. तो अटेंशन में हम इन मॉडल्स को और डिटेल में पढ़ेंगे. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का बेसिक यही है कि ह्यूमन माइंड जो है वो कंप्यूटर की तरह हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, और हमें सारी इंफॉर्मेशन हमारे एनवायरमेंट से मिलती है, बट हमारी मेंटल कैपेसिटी लिमिटेड है, ठीक है. वहां पर भी हमारा एनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल ऑफ मेमोरी, इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन चलता रहता है. एंड देयर इज टू वे प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. आप मुझे दे रहे हो, मैं आपको दे रही हूँ, देयर इज टू वे प्रोसेस, ठीक है. या आप मुझे फीडबैक दे रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है. एंड वी ऑल आर जेनेटिकली ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यहाँ से जेनेटिकली प्रोसेसिंग हमारी पहले से ही बनी हुई है कैसे चीजें काम करेंगी. तो दिस इज बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. और जो फीचर इंटीग्रेशन मॉडल है वहां पे हम अटेंशन की ज्यादा बात करते हैं कि हम लोग इनिशियली प्री अटेंटिव स्टेज में छोटे छोटे फीचर्स को अटेंड करते हैं किसी भी चीज के, और फिर हम चार पांच चीजों में से किसी एक चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं और उस पे फोकस अटेंशन करते हैं और फिर उसको परसीव करते हैं, ठीक है. तो दिस इज जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू जो कि एनी ड्रेसमैन ने दिया था, एंड इट इज मेनली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेंशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसको हम अटेंशन में डिटेल में पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट. सो दिस वॉज इट आई गेस. वो छोटा सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट अबाउट द थिंकिंग. Is it fine with everyone? Yes, ma'am. So with this, unit 6 is over. And in case of any doubt or query, you can always get back to me.